नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सुमित राठी स्वागत करता हूं आपका दोस्तों एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन सारे लोग हमारे साथ आके सेशन में जुड़ सकें फटाफट से शुरुआत करते हैं दोस्तों पॉलिटी सीरीज़ की अच्छा यार ये सीरीज़ जो है ये क्लास कई दिनों में आज एक बार आ, जा, आ है इसके पीछे कारण तो एक वही था एक तो लोग आप आते नहीं थे और दूसरा बीच में मेरे से भी काफ़ी डिसकन्टीन्यूएशन यहाँ पे हुआ है और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि मेरा मन नहीं था पढ़ाने का ऐसा सच भाई इस प्रकार का जो हम कंटेंट यहाँ बना रहे हैं ना इट विल टेक टाइम तो डेली क्लास जो है लगभग संभव नहीं है क्योंकि आप देखोगे तो पीपीटी में ऐसा नहीं है कि आपको लिख के दे रहा हूँ मैं ठीक है ये सारी चीज़ें बनाने में मतलब इस लेवल का काम करने में मेरे को मेहनत लग रही है बहुत ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एंड दैट्स वाई थोड़ा सा समय यहाँ पर लगता है खैर कोई बात नहीं लेट्स बिगिन द क्लास क्लास में आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में ठीक है भारत के गवर्नमेंट के दो पिलर हम पढ़ चुके हैं पहला पिलर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों आपका एग्जीक्यूटिव और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर था वो था जुडिशरी यानी कि दो पिलर आपके एक तो आपका कार्यपालिका और दूसरा न्यायपालिका ये हम डिस्कस कर चुके हैं आज तीसरे पिलर में हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों ठीक है इसके ये करने के बाद आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ जो आपका ये पार्ट है ये कवर हो जाएगा तीसरा जो पार्ट है हमारा दोस्तों लेजिस्लेचर जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में यानी कि विधान पालिका शुरुआत करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रिक्वेस्ट यही है यार कि आप सभी से प्लीज इसको फॉलो करें ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जहां पर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक नहीं करेंगे तो देखो आगे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको क्राउजल्स बोलते हैं ठीक है क्राउजल्स मतलब जो स्वाइप करके आप न्यूज़ पढ़ते हो ना वो क्राउजल्स हम इस पर डालने वाले हैं तो अगर आप नहीं करोगे तो आप ही लोग इस पर मिस करोगे क्योंकि हम वो क्राउजर्स जो है यहां पर डालेंगे ना सो यू वॉन्ट एबल टू लाइक उनसे आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे सो so इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज यहां पे फॉलो कीजिएगा दोनों जगह पे टेलीग्राम चैनल और ये यहाँ पे अब देखो बात जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर दोबारा आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना मैंने कहा था देखो यार दुनिया पढ़ती जो पढ़ाती है हम वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे वी वी विल विल अप्रोच लाइक स्टडी विद अ डिफरेंट अप्रोच और उस डिफ्रेंस अप्रोच से ही हमने पढ़ना शुरू किया था मैंने कहा था दोस्तों हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पढ़ेंगे मैंने आपको बताया था ठीक है एक बार यार पहले सबको शेयर करो अदरवाइज तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है दिस इज लाइक गड़बड़ यार ठीक है और गड़बड़ फिर तो गड़बड़ का मतलब समझ रहे हो आप गड़बड़ का मतलब तो फिर गड़बड़ है ठीक है फटाफट से एक बार शेयर करो यार सारे के सारे बच्चे दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फटाफट से सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू कि तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तीन चीजें हमारे सामने होती है पहला होता है लेजिस्लेचर ठीक है विधानमंडल विधान पालिका जिसका काम होता है कानून बनाना ठीक है दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी या कार्यपालिका जिसका काम होता है लागू करना और तीसरा जो होता है होता है जुडिशियरी न्यायपालिका जिसका काम होता है दोस्तों चेक एंड बैलेंस जांच और संतुलन को बनाए रखना ये चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करता है तो ये दीज आर द थ्री डिफरेंट ऑर्गन अब हम ये कवर कर चुके हैं और ये कवर कर चुके हैं ठीक है आज हम इसको कवर करने वाले हैं विधानमंडल को, विधान को, है है को अडॉप्ट किया है।, मतलब है दोस्तों जब संविधान सभा के अंदर में बात हो रही थी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं कहां से कॉपी करें तो एक तो था यूएसए का सिस्टम ठीक है और एक था दोस्तों कैनेडा का सिस्टम यूएसए के अंदर में क्या था यूएसए के अंदर में प्योर फेडरल था प्योर फेडरेशन मतलब यहां पर स्टेट के अपने अलग मामले और केंद्र के अपने अलग मामले ठीक है दोनों के सब्जेक्ट अलग थे यहां पर स्टेट सब्जेक्ट थे और यहां पर क्या था दोस्तों आपका ये यूनियन सब्जेक्ट्स थे डिवीजन क्लियर डिवीजन था स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द फेडरल गवर्नमेंट उसको ज्यादा पावर थी लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कैनेडियन सिस्टम के अंदर में इट इज समवेयर ये यूनिटरी होता है इसके अंदर में जो हमारी स्टेट होती है ठीक है स्टेट जो है उसको इतनी पावर नहीं होती यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है यूनियन हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है आप मेरी बात समझे तो समझिएगा दोस्तों भारत ने फेडरल सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया था दोस्तों हमने अडॉप्ट किया था ठीक है कनाडा से अब इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है ऑल हम इंस्पायर्ड हैं यूएसए से बट हमारा जो सिस्टम है वो मोरलेस कनाडा से ज्यादा मिलता है हमारे फेडरल सिस्टम में भी ऐसा ही है हमने आपको बताया सरकार दो भागों में तीन भागों में बढ़ती है सरकार के तीन अंग है तीन अंग कौन कौन से हैं दोस्तों यहां पे बात हुई थी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अब लेजिस्लेचर हम पढ़ रहे हैं इसका काम है लॉ बनाना लॉ फॉर्मूलेशन अब ये लॉ फार्मुलेशन का काम भी दो अलग अलग जगह पर होगा फेडरल सिस्टम के आधार पर अब जो लॉ फॉर्मुलेशन होगा कानून बनाने का काम होगा प्यारे बच्चों ये भी दो अलग अलग जगहों पे होगा एक तो होगा यूनियन लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट के लिए होगा यूनियन लेवल पर और ये काम कौन करेगा दोस्तों यूनियन लेवल पर ये काम होगा पार्लियामेंट के द्वारा और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर स्टेट लेवल पर और यहां पर किसके द्वारा होगा इसको हम कहते हैं आपका स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है जिसको साधारण भाषा में कहते हैं राज्य विधान पालिका आप मेरी बात समझे या नहीं समझे तो ये दो प्रकार से होता है ठीक है ये दो प्रकार से आपको होता है और दो प्रकार से आपको ध्यान भी रखना है दीज आर द टू सिस्टम दीज आर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द लाइक मैंने आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था तो हम ये पढ़ रहे हैं अब बिकॉज फेडरल सिस्टम है तो हमारे भाई ये भी दो भागों में बट गए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अब एक बात बता दूँ तुम्हें डिट्टो भाई है डिट्टो है सेम कोई बदलाव नहीं है कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार की असमानता नहीं है जिस प्रकार से आप पार्लियामेंट में पढ़ते हो उसी प्रकार से आप स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब देखो यार हमारा जो विधानमंडल है ना विधानपालिका है उसको हमने इस प्रकार से बैठा भाई यूनियन लेवल पे हमारे पास कौन है दोस्तों पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो होती है यूनियन लेवल पर और इस यूनियन लेवल पर हमारे पास तीन अंग होते हैं पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं ये पार्लियामेंट अगर आप बोलो ना पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट कब पूरी होगी पता है आपको पार्लियामेंट तब पूरी होगी जब इसमें तीन चीजें होंगी ठीक है कौन कौन सी तीन चीजें होंगी सर पहला होगा लोकसभा दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा क्या होगा दोस्तों आपका प्रेसिडेंट तब जाके आपकी पार्लियामेंट पूरी होती है तो पार्लियामेंट के अंदर में क्या क्या होगा सर लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के आपका संसद का निर्माण होता है फिर आती है राज्य के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर इसमें भी यही है दोस्तों एक तो होगी क्या दोस्तों जैसे लोकसभा होती है यहां पर विधानसभा होगी सेम जैसे यहां राज्यसभा है दोस्तों यहां पर क्या होगी यहां पर विधान परिषद होगी ठीक है और जैसे यहां पे प्रेसिडेंट है वैसे वो गवर्नर भी होगा अब गवर्नर और राष्ट्रपति तो कितना सिमिलर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है सो ये जो चीज़ें हैं लोकसभा ये भी बिल्कुल सेम होता है बस कुछ कुछ जो है संख्या में अंतर अंतर होता है कुछ कुछ जो है डिफरेंसेस होते हैं वो हम कवर कर लेंगे उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा ठीक है तो लेजिस्लेचर मैंने बताया राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है राज्य विधानमंडल काम क्या है दोस्तों इसका बताओ सर ये राज्य के लिए कानून बनाएगा ठीक है ये क्या करेगा राज्य के लिए कानून अब एक बात बताओ सर कैसे डिसाइड होगा ये मैटर पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी इस मैटर पे राज्य सरकार कानून बनाएगी तो ये डिसाइड होता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले क्लियर कट है कि ये मामला जो है ये राज्य सरकार के अंदर आता है और यह मामला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है क्लियर कट है दोस्तों ये ठीक है एकदम साफ लिखा हुआ है कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारे सेवेंथ शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है ये हमारी सातवीं अनुसूची के अंदर में लिखा हुआ है हमारी सातवीं अनुसूची जो है क्लियर कट बताती है कि हमारे यहां पर जो है लिस्ट का तीन तरीकों से बंटवारा है पहली जो लिस्ट होती है हमारी वो होती है दोस्तों आपकी क्या स्टेट लिस्ट दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है हमारी यूनियन लिस्ट और तीसरी जो होती है दोस्तों उसको हम कहते हैं आपका कंकरेंट लिस्ट हिंदी भाषा में स्टेट मतलब राज्य सूची हो गया हमारे पास ठीक है यूनियन लिस्ट मतलब आपका केंद्रीय सूची हो गया ठीक है केंद्र सूची और कंकरेंट मतलब होता है दोस्तों सम्वर्ती सूची देखो राज्य लिस्ट में वो मामले होते हैं जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट द लॉन द स्टेट लिस्ट ठीक है यूनियन लिस्ट में वो मैटर होते हैं कि जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार आपका कानून बना सकती है एंड कंकरेंट लिस्ट में आपका क्या होता है दोस्तों यहां संवर्ती सूची राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है लेकिन कल को चल के अगर मान लो किसी प्रकार का विवाद आ जाता है इन दैट केस जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है दोस्तों वो प्रिवेल करता है वो अव्वल माना जाता है तो बताइए यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ठीक है अगर यहां तक समझ आ रही है तो मैं आगे यहां पर बढ़ूंगा आप सोचोगे सर कि पार्लियामेंट को कैसे पता चलेगा कि इस पर मुझे कानून बनाना है आप सोचोगे सर ये कैसे पता चलेगा राज्य स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट विधान राज्य विधानमंडल को किस मैटर पर मुझे कानून बनाना है ठीक है तो यह क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है कहां पर दिया हुआ है सेवन शेड्यूल में संविधान के अंदर में सातवीं अनुसूची है जिसमें हमने तीन लिस्ट बनाई है ठीक है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ठीक है स्टेट लिस्ट में वो मामले जिस पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार है कानून बनाने का यूनियन लिस्ट में वो मामले जिस पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में केवल और केवल वो मामले जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार जिस पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ रही है अगर यहां तक आपके पास मेरी बात पहुंच रही है तो फटाफट से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर बात हमारे तक पहुंच गई है फिर मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा बताइए फटाफट से अभी हमारे एक नए एक टीचर है ना वो सी सेट पढ़ाते हैं ठीक है क्या नाम उनका एसएसएम सर वो एक तरीका फॉलो किया उन्होंने और बड़ा मुझे लग रहा है काफ़ी इफेक्टिव है ठीक है बच्चे उसमें आते हैं लाइव क्लास में बहुत बच्चे आते हैं उनका फार्मूला क्या है पता है आपको फार्मूला ये है कि लाइव क्लास देखो जब तक ठीक है उसके बाद वीडियो को प्राइवेट कर दो ठीक है ये कंटेंट ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको बट फिर भी यार बच्चे इस पर आते नहीं हैं तो मैं भी इसी चीज़ को सोच रहा हूँ कि लाइव में जो देख लिया देख लिया उसके बाद क्लास को प्राइवेट कर दो ठीक है जिसको आना है लाइव आओ जिसको लाइव नहीं आना उसके बाद में ठीक है जय राम जी के ठीक है जो कंफर्ट में देखते हैं ना बाद में कि यार आराम से देख लेंगे मानता हूँ मैं पचास परसेंट बच्चे या चालीस परसेंट तीस परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मजबूरी रहती है कहीं ना कहीं बट ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना उनके पास में क्या होता है ना वो किसी दूसरी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं अरे पहले ये कर लेते हैं ये बाद में कर लेंगे जब तुम पढ़ाई कर रहे हो दूसरा तो कोई काम है नहीं कि भाई तुम्हारे ऊपर एक जिले का दबाव आ गया अभी सर भाई तुम्हें पहले वो काम निपटाना है ऐसा कुछ नहीं है और रात को नौ साढ़े नौ बजे कोई काम नहीं होता ठीक है एकदम मतलब वो फद्दू खींचने वाली बात है आप बेवकूफ़ समझते हो और कुछ नहीं है ठीक है जो नहीं देख रहा उसके लिए आप लोगों के लिए नहीं है मैं बाद वाले को लिए बोल रहा हूँ ठीक है तो कल से मैं भी इस ट्रिक अडॉप्ट करेंगे हम क्लास हुई और उसके बाद में इसको क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया है ना तो उसके बाद क्या होगा ना ठीक है जो लाइव देखेगा उनको कंटेंट अच्छा मिलेगा जो नहीं देखेगा फिर वो ऐसे ऐसे हाथ मसलते रहो ठीक <laughs> है आप लोग हो आपको कोई टेंशन होगी नहीं क्योंकि आप लाइव देखोगे तो आपको तो सारा दिखेगा ही है ना चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले मुद्दे की ओर अगले पड़ाव पे चलते हैं अब ये सवाल ये आता है सर ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट है ये आई कहां से क्या है क्या बवाल है क्या किस प्रकार का ये दिमाग खराब करने वाली चीज है समझ में नहीं आती सर हमें तो तो मैं आपको थोड़ा इसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले समझिए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट याद करो मैंने बताया था कि जब संविधान सभा जो थी ना हमारी उसके अंदर में जब बातचीत चल रही थी किस प्रकार की गवर्नमेंट अपनाए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे पहला ऑप्शन क्या था दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना और दूसरा था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है ये ब्रिटेन के अंदर में थी और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लगभग लगभग 200 साल शासन किया था तो यही लोग भारत में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी आए थे तो दिक्कत सर यहाँ पे ये अच्छी बात एक ये थी कि ब्रिटेन से क्योंकि हम 200 साल उनकी गुलामी हमने देखी है तो उसमें हमने देखा है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कैसे करता है तो हम संभाव इससे क्या है मतलब हमें पता है कि ये कैसे काम करता है किस प्रकार से काम करता है उस टाइम पे जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस है ना कांग्रेस थी ना तो कांग्रेस जो है वो एकमात्र बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसका एकदम दबदबा था ठीक है एकदम क्या था दबदबा तो उसी ने डिसाइड किया था नाइनटीन के अंदर में डिसाइड हो गया था कि जब भारत को आजादी मिलेगी भैया उस समय आप मान के चलिएगा भारत का संविधान कैसा होगा भारत का सर सरकार कैसी होगी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे अंग्रेजों से अभी अंग्रेजों का जो पार्लियामेंट है ना वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं उसको एक वेस्ट मिनिस्टर नाम की जगह है वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर जहाँ इनकी पार्लियामेंट स्थित है इसीलिए इस सरकार को वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं ठीक है वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट मिनिस्टर तो आप टेंशन मत आना आप ये समझ लेना कि भाई ये वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है ब्रिटेन के अंदर अब क्योंकि यहाँ वहाँ पर है तो इसीलिए हम इसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं ठीक है संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहां पर थी अमेरिका के अंदर थी उस टाइम पे है ना ये अमेरिका के अंदर में थी और इस इस प्रकार की गवर्नमेंट के अंदर आप देख सकते हो अमेरिका में तो हमने डिसाइड किसके फेवर में किया हमने कहा कि यार ठीक है हम हम संसदीय फॉर्म में जाते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में जाते हैं और इसका रीज़न क्या था दोस्तों रीजन यही था कि कम से कम इतने टाइम से हमें थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा है अंग्रेजों से कम से कम उसको अब एकदम से दो सौ साल तो ये ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सिखाते रहे अब अचानक से हम शिफ्ट कर जाएँ मान लो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर तो हमारे लिए चीजें बड़ी अलग हो जाएंगी हमारे लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी और एक तो सिस्टम ऐसा जिसको आप जानते हो पहचानते हो एक सिस्टम ऐसा जो आपके लिए बिल्कुल नया है तो नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में आपको समय लगेगा एंड दैट्स वी डिसाइडेड टू गो विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब दोनों की अलग अलग होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है ठीक है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है अब यहां पर अगर आप देखोगे ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट थी तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है उसके अंदर भी तीन भाग होते हैं ठीक है कौन कौन से होते हैं सर एक यहां पे लोअर हाउस होता है अपर हाउस एक, एक को बोलते हैं आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक होता है दोस्तों आपका जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमंस और एक यहां पर जो होता है वो होता है क्राउन ठीक है तो इसका जो ब्रिटेन के अंदर में है उसको हम बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं क्राउन इन पार्लियामेंट ठीक है क्राउन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है

तो अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले सुनने को मिले तो ध्यान रखना क्राउन इन पार्लियामेंट जो है इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति है उसकी जगह क्राउन होगा मतलब क्राउन विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ दी पार्लियामेंट जैसे वहां पे दो हाउस है तो हाउस ऑफ कॉमन दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो तीसरा जो है वहां इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों क्राउन इसको बोलते हैं क्राउन इन पार्लियामेंट भारत में आप देखोगे तो क्राउन इन पार्लियामेंट नहीं है इंडिया में प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट है राष्ट्रपति संसद के अंदर में होता है ये इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो है खास बात है ऐसा क्यों क्योंकि इंडिया में मुनार्की नहीं है वी द रिपब्लिक सिस्टम एंड दैट्स भारत के के अंदर में इस प्रकार के सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं इस प्रकार के सिस्टम को हम मानते हैं यहां तक ये यह बात अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करो यहां ऐसा कुछ नहीं होता यहां ना क्राउन इन पार्लियामेंट है ना तो क्राउन इसके पार्लियामेंट को ना हम क्या कहते हैं यहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं

राष्ट्रपति तो क्या है राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव का भी हेड है और ये क्या है लेजिस्लेचर तो अगर आप देखोगे तो यहां आपको पता चल रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ साथ है बट यहां ऐसा नहीं होता यहां बिल्कुल क्लियर कट तो एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका सेपरेशन ऑफ पावर तो सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है किसके संविधान के अंदर में दोस्तों यूएसए के संविधान में इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया में इंटरडिपेंडेंस है ठीक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर थोड़ा समझने की बात है थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है जो ध्यान से सुनेगा ध्यान से समझेगा उसको सारी चीज समझ आएगी ठीक है इसको अभी और आगे डिस्कस करूंगा बट यहां तक मैंने बताया दोस्तों यहां पर कि लेजिस्लेचर है ये सब बात हो गई मैंने बताया सिस्टम हमने पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया पार्लियामेंट में क्या होता है ये हमने ब्रिटेन ब्रिटेन से अडॉप्ट किया के अंदर सिस्टम होता है क्राउन इन पार्लियामेंट क्योंकि वहां पर जो है क्राउन वहां का वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है उसके इजाजत के बिना कोई भी कानून जो है वो, वो कोई भी विधेयक जो है कानून नहीं बन सकता इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में वी हैव द प्रेजिडेंट इन द पार्लियामेंट ठीक है दैट मीन प्रेजिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फ्टर द प्रेसिडेंट एंड बिकम लॉक द प्रेसिडेंट इन दर्म पार्लियमेंट जो इंडिया के अंदर में जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म द गवर्नमेंट सो यू मस्ट रिमेंबर दिसर नाउ दिस इन दिस सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम इन द पार्लियमेंट एंड इज अजन ऑफ द

अमेरिका के अंदर में आप देखोगे ना तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं कहते भैया यहां पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कांग्रेस अब ये पार्टी नहीं है कांग्रेस कभी सोचो तो कांग्रेस पार्टी है ना ये कांग्रेस पार्टी नहीं है ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे ठीक है तो यू कैन सी मत भाई यहां पर आप देखोगे तो क्या है कांग्रेस ना कांग्रेस जो है इसका मतलब क्या है आपको क्या लग रहा है कांग्रेस इज अ पार्टी नो कांग्रेस पार्टी नहीं है कांग्रेस का मतलब है यहां की जो पार्लियामेंट है कहां की दोस्तों अमेरिका की उसको कांग्रेस कहते हैं इसमें दो सदन होते हैं पहले सदन का नाम है सेनेट ठीक है दूसरे सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो सेनेट जो है यहां का सेनेट वो भारत के किसके बराबर है दोस्तों भारत के राज्यसभा के जैसा है ठीक है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसके बराबर है भारत के लोकसभा जैसा है इंडिया में तो पार्लियामेंट कहते हैं लोकसभा राज्यसभा अब ये जो ये ये समझते हो ये कौन है ये ब्रिटिश अंग्रेज लोग इनका भी पार्लियामेंट ही कहते हैं ये भी संसद कहते हैं बट यहां पर अगर आप देखोगे तो इनकी जो राज्यसभा है उनका नाम इसने रखा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इनका जो आपका सिस्टम है जो लोकसभा है इसको अपने नाम रखा है हाउस ऑफ कॉमन्स अब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें ठीक है अपने को तो इंडिया का पढ़ना है ठीक है वाई वी आर वेस्टिंग टाइम ऑन सम अदर पार्लियामेंट्स ठीक है अदर कंट्रीज पार्लियामेंट्स तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों देखो दुनिया में दो चीज़ें पढ़नी आवश्यक है पहली चीज पॉलिटी के अंदर में आपको कंपैरिजन करना है ब्रिटेन से बिकॉज ब्रिटेन ने यार 200 साल तक हम पे शासन किया है और कहीं ना कहीं आज जो चीज़ें आप देख रहे हो इंडिया में इन द नेम ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन समवेयर डाउन द लाइन द केम फ्रॉम इंग्लैंड ठीक है वो हमारे देश में ना इंग्लैंड से ही आई है वो वहीं से आई है ठीक है तो इसीलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते और दूसरी बात जहां तक होती है अमेरिका की यूएसए की वो करना पड़ता है बिकॉज अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है तो इसीलिए आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी कहां पर होगी कैसे होगी ठीक है दिस इज दिंग यू मस्ट नो है ना ये आपको मेरे हिसाब से यार ये पढ़ी पता होनी चाहिए ठीक है मैं ऐसे मानता हूं अरे भैया टेढ़ मतो याराज हो रहा है तू ठीक है अब सही है नहीं अभी सही नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये हमने पढ़ लिया ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवरीथिंग वी क्लियर दिस भाई ये किसी को ऐसा है बचा किसी को जो यहां पर किसी को कोई बात समझ ना आई हो ठीक है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है संसदीय प्रणाली जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है इसके अंदर में किसी को दिक्कत कौन किस जगह को क्या बोलते हैं कहाँ बोलते हैं देखो मेरे हिसाब से तो ये चीजें क्लियर है किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ठीक है बाकी आप बताइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नाव अब थोड़ा सा और समझिए जो अभी मैंने बताया था देखो एक स, जो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी खासियत होती है क्या होती है दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे देर इज अ इंटरडिपेंडेंस यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा देखो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव विधायिका और कार्यपालिका के अंदर में परस्पर निर्भरता होती है दोनों के बीच में ठीक है ये भी तो बताया मैंने यार भारत की जो पार्लियामेंट है या जो इनकी पार्लियामेंट थी उसमें क्या होता है उसमें लोकसभा होता है सर उसमें राज्यसभा होता है और उसके अंदर साथ साथ क्या होता है राष्ट्रपति प्रेजिडेंट होता है ठीक है होता है कि नहीं होता अब एक बात बताओ प्रेजिडेंट कहाँ से है

हम इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में परस्पर निर्भरता को देखते हैं ठीक है क्या देखते हैं परस्पर निर्भरता को दूसरी ओर अगर आप बात करो दोस्तों किसकी दूसरी ओर अगर आप बात करते हो ठीक है अमेरिका की तो अमेरिका के अंदर में क्लियर कट सेपरेशन है मैंने अभी बताया क्या यहाँ पे हमने देखा था क्राउन इन द पार्लियामेंट है नहीं है क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट है नहीं है सर क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर कट सेपरेशन समझते हैं हम कहते हैं विधायिका और कार्यपालिका के अंदर बिल्कुल कोई संबंध नहीं है ये दो अलग अलग चीजें हैं कार्यपालिका अलग चीज़ है और विधान पालिका जो है वो बिल्कुल ही क्या है अलग चीज़ है ठीक है इसीलिए ये बात आपको याद रखना है आपसे पूछा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हम जो है वो इंटरडिपेंडेंस मानते हैं हम मानते हैं कि कार्यपालिका और विध विधान पालिका साथ में मिलकर काम करेगी परस्पर काम करेगी बट इन द अमेरिका ऐसा नहीं है वो कहते हैं क्लियर कट सेपरेशन होगा विधान पालिका विधायिका और कार्यपालिका के अंदर में परस्पर प्र, पृथकीकरण होगा दोनों चीज़ एकदम एक दूसरे से क्या है अलग है ठीक है ये आप समझिए अब आपको क्या लगता है दोस्तों ये जो भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे जिनको हम कहते हैं जिसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे ठीक है जैसे महात्मा गांधी तो खैर थे नहीं ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो संविधान सभा जब गठित गठित हो रही थी तो उसमें नेहरू उसके मेंबर थे नेहरू थे उस प्रोसेस में नेहरू नहीं थे सॉरी भीमराव अंबेडकर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपको पता ये भी इसके हक में नहीं थे कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए ये इसके हक में बिल्कुल भी नहीं थे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए नो ठीक है इन्होंने क्लियर कट कहा था कि भैया ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए ये उस समय कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि हाँ जब हम अपना संविधान बनाएंगे ठीक है तो हम क्या रखेंगे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे साथ ही साथ इसी टाइम पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया था 1946 में 1946 में कि जो भारत का संसद होगा इसमें भी दो सदन होंगे ठीक है एक सदन होगा लोकसभा एक सदन होगा राज्यसभा दोनों में अलग अलग मेंबर इसमें 250 इसमें 550 अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां पांच बावन मेंबर थे तो मैं उनको याद दिला दूं सर पांच बावन तब थे जब दो हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मानते थे अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का तो खत्म कर दिया हमने हमने 104 सौ चार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया जिससे हमने एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया 2020 के बाद में वो प्रावधान वैसे भी खत्म होना था तो अब भारत के अंदर में जो टोटल मेंबर हैं लोकसभा में वो 550 सौ पचास है उस पर भी हम आगे आएंगे डिटेल में बात करेंगे वो आर्टिकल भी बताएंगे आर्टिकल एट्टी जो है इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा ज सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 331 और आर्टिकल 331 क्या है लोकसभा के अंदर में कितने मेंबर होंगे? तो उसमें बताया था कि दो एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी से हमें लगे तो हम उसको नॉमिनेट करेंगे बट we'll we'll यहां पर हमें दो बातें करनी है पहली बात को जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इसको किसने कहा था तो क्या हमारे फाउंडिंग फादर जो थे दीज आर दिग लीडर ऑफ द टाइम तो क्या इन्होंने मानना था नहीं भाई ठीक है इन्होंने तो मना कर दिया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये डिसीजन किसका था दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन था 1946 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड की यस वी विल फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पार्लियामेंट में दो सदन होंगे एक सदन का नाम होगा राज्यसभा दूसरे सदन का नाम होगा लोकसभा जब दो सदन होते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिसलेचर द्वि विधानमंडल अगर मान लो एक ही हो तो जैसे भारत के अंदर स्टेट के अंदर में कई राज्य ऐसे हैं सात राज्य हैं जिनके अंदर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है राज्यों में ज्यादातर राज्यों ने यूनिलेटरल लेटर कैमरल लेजिस्लेचर बनाया बाई कैमरल मतलब दो सदन यूनिक एमरल मतलब एक सदन खाली एक सदन ठीक है तो मान के चलो कल को लोकसभा राज्यसभा हटा दिया जाए सिर्फ लोकसभा तो क्या होगा दोस्तों यूनिक एमरल बट भारत में क्या है बाई कैमरल दो सदन है ना हमारे यहाँ पे ठीक है अब कहोगे सर ट्राई कैमरल है ठीक है क्यों क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है बट वो सदन थोड़ी ना है यार राष्ट्रपति जस्ट अ मेंबर आदमी है वो तो ठीक है एक पर्सन है तो आप समझिएगा कि जो बाइक कैमरल हम बोलते हैं कि बाइक कैमरल का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें दो सदन है एक तो लोकसभा और दूसरा क्या राज्यसभा तो ये भी अपने दिमाग में आज क्लियर हो गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये तो चाहते ही नहीं थे कि भारत का सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ये तो कांग्रेस पार्टी उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और भारत के फ्रीडम के अंदर पे फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सो इट वॉज द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द टाइम नाइनटीन फोर्टी सिक्स दैट इंडियन इंडियन गवर्नमेंट विल बी द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट एंड अवर लेजिस्लेचर विल बी द बाई कैमरल लेजिस्लेचर अगर समझ में आ गया तो फटाफट से पर कमेंट बॉक्स में यार ओके okay की रिपोर्ट कीजिएगा आप सारे के सारे अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में ओके रिपोर्ट एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो यार आप भूल जाते हो ठीक है जल्दी से एक बार बताइए देखो अनुसूची क्या होती है अपेंडिक्स समझो आप अपेंडिक्स मान लो जैसे क्या होता है कई बार किताब लिखी जाती है ना तो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अलग से डाल देते हैं भाग अलग है ठीक है सूची आर डिफरेंट ठीक है हमने कुछ ऐसी चीजें थी जो अलग थी संविधान में ठीक है उनको हमने एक अलग से लिस्ट बना के डाल दिया ऐसा सच कुछ नहीं है यार कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग इट जस्ट अ बुक यार आपको दिख रहा है किताब है और कुछ नहीं है संविधान इससे ज्यादा कुछ नहीं है और किताब में क्या होता है दोस्तों किताब के अंदर देख रो कि संविधान में क्या होता है किताब वो किताब के अंदर अलग अलग चैप्टर होते हैं अब आप पॉलिटी या कोई भी किताब उठा लो ठीक है जैसे सपोज आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको ह्यूमन जोग्राफी ठीक है माजिद हुसैन की इसमें क्या होता है ना इसमें यूनिट्स दी होती हैं ठीक है आप यहां खोलोगे तो यूनिट्स दी होंगी अलग अलग और जो यूनिट आपकी होती हैं यूनिट में चैप्टर होते हैं तो ऐसे ही पार्ट होता है पार्ट वन जैसे पार्लियामेंट को पार्ट फाइव में बताया हमने ठीक है अब उसमें क्या होंगे अलग अलग चैप्टर तो पार्ट मतलब यूनिट और जो आर्टिकल होते हैं वो चैप्टर समझ लो है ना तो वो बस कुछ नहीं उसके टेंशन मत पढ़ो आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला कि शेड्यूल क्या है अनुसूची क्या है और पार्ट क्या है नहीं अरे किताब है कॉन्स्टिट्यूशन जब बुक तो बुक का एक लिखने का फॉर्मेट होता है ना आप समझे मेरी बात को यहां तक क्लियर होगी बात अब मैं आगे बढ़ता हूं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट संविधान और संसद ठीक है थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि संविधान में कहा इसकी बात की गई है क्या बात की गई है तो जैसे आपने बोला तो संविधान के अंदर इसमें जो हमारी किताब है बेसिकली इसमें यूनिट नंबर पांच में इंडियन को आप देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी हीन भावना से ऐसे बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बुक नहीं मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि संविधान है तो क्या किताब भी तो लिखी हुई है और किताब लिखने का एक फॉर्मेट होता है यूनिट चैप्टर ऐसे यूनिट वाइज होती है ना तो बस इसी प्रकार से हमारा भी संविधान लिखा है तो पार्ट पांच का मतलब है यूनिट नंबर पांच अब यूनिट नंबर पांच के अंदर में आर्टिकल नंबर सेवेंटी नाइन से एक सौ बाईस तक आप जाओगे तो संविधान के बारे में पार्लियामेंट के बारे में पाओगे तो ये तो होगी हमारी चलो यूनिट और ये क्या हो गए दोस्तों दीज आर नथिंग बट द चैप्टर ये हमारे चैप्टर हो गए ठीक है तो आप ऐसे समझ सकते हो तो पार्ट पांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 122 इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द पार्लियामेंट ये बताता है हमें संविधान के बारे में कि संविधान ये हमें पार्लियामेंट के आर्टिकल्स के बारे में बताता है ठीक है कितने मेंबर होंगे क्या होगा कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा पार्लियामेंट कैसे बनेगी किन किन लोगों से मिलकर बनेगी कितने ड्यूरेशन होगी ऑफिसर कौन होंगे प्रोसीजर क्या होगा पावर क्या होगी प्रिवलेज क्या होगी सारी चीज और आप भी देख ही लोगे सब कुछ आज और कल में आप सब समझ लोगे ठीक है आई स्टडी अंकुर गुड इवनिंग सर जी कैसे हो आप सब बढ़िया है सर जी मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ पर आप हमारा नाम कभी नहीं ले देखो आज नाम भी और आपकी जो है कमेंट भी वो सब पढ़ दिए हमने अरे ऐसा कुछ नहीं हम नाम के हम तो शॉर्ट डाल देते हैं यार आज आपने शॉर्ट देखा सना सैयद ठीक है मतलब आप एक ऐसा कुछ काम तो कर दो कि जो आप हमारे दिल के पास आ जाओ ठीक है हमने तो चैनल पे शॉर्ट भी डाला है ऐसा कुछ नहीं है भाई जो हमारे साथ देखो वीडियो आप देखते हो मेरी वीडियो देखते हो देखो अपन कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बनाते ठीक है आप वीडियो देख के ही कहो कि आपकी वीडियो से मैं सीखता हूँ मुझे अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में आसानी होती है ठीक है मेरे जीवन में इंप्रूवमेंट मैं कर पा रहा हूं अगर आप ऐसा अगर है ना तो फिर है मज़ा ठीक है तो ऐसे तो वीडियो दुनिया देख रही है और दुनिया दिखा रही है ठीक है समझ में आ रही बात तो आज जैसे एक बच्ची ने यार हमारी स्टूडेंट है ठीक है उन्होंने भेजा यार मुझे मुझे बड़ा अच्छा कल रात को आया शाम को आया था ट्रस्ट मी यार मैं इतना मतलब उत्साह मतलब इतना मेरा मोटिवेशन बूस्टअप हो गया मैं क्या यार वाह ठीक है मैंने डाला हुआ है ऐसा कुछ नहीं यार नाम तो बहुत छोटी बात है हम तो आपकी वीडियो ही डाल देंगे चैनल पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट संविधान में क्लियर हो गया भाई पार्ट पाँच जो है उसमें आर्टिकल सेवेंटी नाइन से लेकर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू के अंदर में सारी बातें लिखी हुई है ठीक है अब थोड़ा सा पार्लियामेंट के संगठन के बारे में बात करते हैं पार्लियामेंट में कितने अब पार्लियामेंट में यही बात हो गई थी कि सर दो सदन है सदन दो हैं एक राष्ट्रपति तीन हो गए मैंने बताया कि यहां पर जो पार्लियामेंट है हमारी इसके अंदर में दो सदन देखो पहला सदन जो होता है उसका नाम होता है राज्यसभा इंग्लिश हिंदी राज्यसभा कहते हैं ठीक है राज्यसभा वैसे हिंदी नाम है ठीक है उसको ऐसे इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया हमने इंग्लिश में वास्तविकता में राज्यसभा को हम बोलते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट इसका जो इंग्लिश नाम है वो क्या है दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट और जो ये लोकसभा है इसका नाम क्या है दोस्तों इसको हम कहते हैं दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ठीक है दिस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में अलग अलग मेंबर इसमें 250 मेंबर इसमें 550 मेंबर उस पर भी बातचीत करेंगे हम चिंता क्यों कर रहे हो ठीक है कौन सा किससे होगा कितना होगा विल ऑल डिस्कस ठीक है सारी बातें करेंगे अब समझिए राज्यसभा है ना राज्यसभा को कई नामों से जाना जाता है ठीक है राज्यसभा को ही हम अपर हाउस कहते हैं ठीक है अपर मतलब ऊंचा उचला ऊपर वाला हाउस इसी को हम सेकंड चैंबर कहते हैं अपर हाउस है बट सेकंड नंबर पे है ये इसको हम हाउस ऑफ एल्डर कहते हैं एल्डर समझते हो ठीक है बड़े बुढ़ो का घर है ना मतलब माना ऐसा जाता है कि लोग राज्यसभा में समझदार लोग बैठते हैं सर जी मैं करती हूं एडवर्टाइजमेंट आपको बट बहुत दिनों से ही सर जी आप प्लीज चेक करिए सर सना दी से मुझे और मोटिवेशन मिला मैं भी उन करूँ जो उन्होंने किया है सबरीन फारूकी देखो एक बात मैं बताता हूँ मैं बहुत मतलब धन्यवाद है आप लोगों का जो आप ये करते हैं पर्सनली इट फील्स वेरी गुड बट अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को ऐसा कहने करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ठीक है सना को मैंने बिल्कुल नहीं बोला बस उसने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखो ये हम मैं आपको सच बताता हूँ यूट्यूब पर पढ़ाने से किसी को कुछ पैसा नहीं मिलता अनटिल ओरनेस उसके व्यूज मिलियंस में ना आए ठीक है मिलियंस में व्यूज आता है तो किसी को कुछ मिलता है अदरवाइज यूट्यूब पे पढ़ाने का किसी को कुछ नहीं मिलता बाकी कुछ भी कर लो ठीक है उसका मिल जाता होगा थोड़ा बहुत क्योंकि वो वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं तो हम भी ये पता क्यों करते हैं हमारा एक मोटिवेशन होता है कि वी वांट टू प्रोवाइड अब जिस पॉलिटी की मैंने सीरीज स्टार्ट की आप सब लोग मुझे ज्योग्राफी के लिए जानते थे करंट अफेयर के लिए जानते थे एन्वायरमेंट के लिए जानते थे बट मैंने तुम्हें कह रखा है ज्योग्राफी वाज मेरा बीकेस्ट सब्जेक्ट ठीक है इससे तगड़ी चीज मैं पॉलिटी पढ़ा सकता हूं और इससे दस गुना अच्छी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं ठीक है समझिए बात इससे अच्छी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा सकता हूं बाकी मेरे को एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आती ना मैंने कभी पढ़ी है मैं मैं सच बताता हूं ऑनेस्ट रहता हूं समझ रहे हो तो ये मेरा क्या है मोटिवेशन कि आप जब पसंद करते हो आपके जब कमेंट और आपके जैसे ये एफर्ट में देखता हूं तो मजा आता है फिर करता है यार पढ़ाओ यार पढ़ाओ यार अच्छे से पढ़ाओ भाड़ में गया पैसा वैसा सब चीज भाड़ में गई ठीक है बस ये ये चीज़ कमानी है ये प्यार कमाना है कि बस ठीक है आपके लिए बच्चे जो है आपसे इतना भाई ये प्यार कमाना है ठीक है ये मतलब आता है दिमाग के अंदर मैं अब आपको बताता हूँ ये ख्याल दिमाग के अंदर आता है ना तो हम भी जुड़े रहते यार यूनिकॉर्न के साथ अब अपना यूनिकॉर्न छोड़ के पॉपकॉर्न बना लिया हमने ठीक है क्यों किया है यार एक मैं चाहता यही था कि क्योंकि देखो वहाँ जब मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था ना तो वो लोगों का दबाव था मेरे ऊपर कि मेरा एरिया ये था ठीक है मेरा साइज ये था उनका दबाव था कि मैं श्रिंक करके इतना हो जाऊं मेरा साइज इतना है तो मुझे छोटा करोगे तो क्या होगा एंजाइटी बनेगी मेरे अंदर स्ट्रेस बनेगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा वही सब चीज़ें वो लोग करते थे वो ये चाहते थे कि आपका साइज भला ये है कि हमारी नज़रों में आप इतने बन के रहो ठीक है तो ये मैं नहीं चाहता था अब मैं हूं अपना प्लेटफॉर्म अब मैं दिखाऊंगा बच्चों को मैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं ठीक है आप लोगों के साथ में बस ऑब्बियस ही बात है आप लोगों के सपोर्ट और साथ की देखो हमेशा ज़रूरत है आप जैसे सना ने साथ दिया आप उसका एक अलग तरीका था जो मतलब मेरे दिल को छू गया यार है ना तो मैं देखो किसी को भी मैं बाधित नहीं कर रहा हूँ कि आप करो लेकिन जाहिर सी बात अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है यार सुकून मिलता है ठीक है इट ये फैमिली टाइप की वो फीलिंग आती है लगता है यार कि यार ऐसा नहीं है कि हम ही सोचते हैं बच्चों के बारे में ठीक है एक एक जनरल कंसेप्शन बनी हुई है मैं आपको बताता हूँ जैसे आपके आप पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते होंगे ऐसे जैसे जो टीचर कम्युनिटी है जो पढ़ाती है उनके बारे में भी उनके दिमाग में भी एक चीज़ होती है टीचर कम्युनिटी में या किसी भी कंपनी में एक बात बोली जाती है कि बच्चे किसी के नहीं होते ये बात बोली जाती है बच्चे किसी के नहीं होते आज वो आपके साथ पढ़ रहे हैं कल वो किसी और के साथ पढ़ेंगे मतलब ऐसा बोला जाता है मैं कभी से इस बात में भरोसा नहीं करता मेरा मानना होता है ठीक है बच्चों को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर उनको अच्छा मिल रहा हो बच्चों को वहां से पढ़ना चाहिए जहाँ पर जो उनका टारगेट है जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा हो बच्चों को ऐसी जगह पे खाम खा का किसी व्यक्ति को आइडियलाइज करके कि यार ये तो भगवान है मेरे लिए मैं वहीं वह पर पढ़ूंगा ना उनको अपना कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए मेरा ये मानना होता है अब एक है मैं 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 बोगस चीज पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ के भी क्या करोगे तो कम से कम मैं तभी तो आप रहो ठीक है अगर आप मेरे को आइडलाइज कर रहे हो सपोज करो कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो आप मुझसे प्यार कर रहे हो ठीक है तो मेरे पे भी दायित्व बनता है कि मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊं तो लोग मानते हैं कि बच्चे किसी के नहीं होते मेरा मानना क्या है मेरा मानना अलग है कभी से पहले दिन से मेरा मानना है कि आप अच्छा पढ़ाओ ठीक है बच्चे आपके साथ जरूर होंगे और अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो कोई हक नहीं है कोई अधिकार नहीं है आपको बच्चों को ये कहने का कि आप मेरे साथ रहो तो ही बात है सबरीन अगर आप करेंगी ठीक है बहुत बहुत अच्छा लगेगा ठीक है बहुत अच्छा लगेगा एक मतलब और जो फैमिली वाली फीलिंग है यार मैं और अपना जोर लगाऊंगा मैं मतलब और हंड्रेड परसेंट अपना देने का प्रयास करूंगा और मेहनत करूंगा ठीक है बट मैं मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं मैं किसी को कह नहीं रहा हूं कि आप ये काम करना बट अगर करोगे तो जाहिर सी बात है प्लीज़ वीडियो बना के मुझे ज़रूर शेयर करना बिकॉज दीज आर द मेमरीज़ आपको पता है मेरे पास एक वीडियो आया था ठीक है अभी मैं कल उसको भी चैनल पे डालने वाला हूँ कल या परसों में ठीक है अ गाय uh, uh, जो uh, सोचो कैनेडियन बंदा है कनाडा में रहता है वो उसकी बहन पढ़ती थी यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर वो अपनी बहन के साथ वहां रहता था ही यूज टू वॉच माई जोग्राफी लेक्टर लेक्चर्स मेरे पास मेल आया हुआ है मैं दिखा दूंगा ठीक है पाकिस्तान की लड़की है ही प्रिपेयर फॉर द पाकिस्तान सिविल सर्विस एंड ही वांट्स टू टेक माय सब्सक्रिप्शन पिछले साल उसने अनकेडमी का पूरा मतलब एकदम कहते हैं ना वो डंडा करने वाली बात है वो कर दिया कि आई वॉन्ट आई वॉन्ट मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने तो सब YouTube पे पढ़ाया था बट स्टिल सी वॉन्ट टू भाई वो चाहती थी कि कॉन्ट्रीब्यूट करे वो अब वो कह रही कि सर इधर इंडियन करेंसी है इधर पाकिस्तान रुपये में पेमेंट करूंगी वो लोचा है सारा फिर मेरे को इनका फ़ोन आया कह रहे यार सर क्यों यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड पढ़वा रहे हो ठीक है तब मैंने उनको कहा कि नहीं अब स्टिल कल परसों भी मेरे पास मेल आया है ठीक है वो अभी भी कह रही कि सर आई वॉन्ट टू टेक योर सब्सक्रिप्शन ठीक है वो पाकिस्तान सिविल सर्विस की तैयारी कर रही सोचो बट जोग्रफी हमसे पढ़ती है ठीक है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जोग्राफी तो यार बहुत सी फिजिकल जोग्राफी तो दुनिया की किसी में पढ़ लो ना सेम होती है साइक्लोन सेम सब सेम होता है ठीक है नेपाल से बच्चे आते थे यार बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इधर इंडिया के अंदर में वो देखने आते थे ठीक है फिजिकल जो जोग्राफी जो मेरे पास पड़ा हुआ है अच्छा अफ्रीका के अंदर में भी अपने लेक्चर देखे जाते थे पता है आपको मेरे पास वीडियो है बाकायदा मेरे पास वो मैं आपके साथ में चैनल पर डालूंगा ठीक है विल शेयर इट कल या परसों में मैं दोनों वीडियो आपके साथ में डालूंगा ठीक है पहले मैंने नहीं डाला बिकॉज मैंने कभी इन चीज़ों का शो नहीं किया ठीक है शोकेस मैंने किया लेकिन आप मुझे समझ में आ रहा है कि जितना बताओगे नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा आजकल ज़माना है बताने का एटलीस्ट दिखावा मत करो लेकिन बताओ ज़रूर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बुक में तो नहीं मिलेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा ये चीज़ें तुम्हें किताब में दिमाग ख़राब हो जाता है ये चीज़ें करने में ठीक है किसी को बोल दो ना ये काम करने में अगर कल को मान लो पुरानी कंपनी मेरे को बोले कि इस इस टाइप के लेक्चर मुझे लेने हैं मैं एक लेक्चर का एक लाख रुपये लूँगा मैं तब उसको पढ़ाऊँगा ठीक है ऑलरेडी उस कंपनी में जब मैं पढ़ाता था मेरी एक घंटे की फ़ीस होती थी ठीक है थर्टी सेवन थाउजेंड सैंतीस हज़ार रुपये लेता था मैं एक घंटे पढ़ाने का उस पर ठीक है जहाँ मैं पहले काम करता थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ फॉर वन आवर एक घंटे के लिए ये मतलब मेरी फीस थी इतना पैसा मैं चार्ज करता था नॉर्मली वहाँ पे जब मैं यूट्यूब पे उनके लिए पढ़ाता था आपके लिए फ्री होता था वो बट उनके लिए फ्री नहीं होता था उनसे मैं सैंतीस हज़ार रुपये एक घंटे के लेता था ठीक है सैंतीस हज़ार रुपये ये बताना नहीं चाहिए बट स्टिल एम टेलिंग यू ठीक है खैर कोई बात नहीं तो वो जो बात थी बड़ी अच्छी लगी और ऐसा नहीं है कि जैसे हमने सना देखो सना का वीडियो मेरे सामने आ गया तो मैंने बता दिया आप लोग का है अगर ऐसा कुछ दोस्तों तो आप मुझे डायरेक्ट वीडियो भेज दो ठीक है मुझे जो हमारा इंस्टाग्रा इंस्टाग्राम पे भेज दो या तो या आप एक काम करो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली भेज दो ठीक है टेलीग्राम पर तो पता ही है आपको यार आप डायरेक्टली मुझे भेज दो ठीक है जाहिर सी बात है क्यों नहीं देखेंगे हम है ना खैर आ जाओ यार इधर आ जाओ पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं राज्यसभा जो होती है दोस्तों इसको कहते हैं हम अपर हाउस सेकंड चैम्बर हाउस ऑफ एल्डर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट ये इसका इंग्लिश नाम था ये हिंदी नाम है ये तो हमने बाद में अडॉप्ट किया था बट यूजुअली इंग्लिश में इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं दोस्तों ठीक है संविधान में ये नाम जो है राज्यसभा ये हमने बाद में हिंदी नेम ऐड किया था तो अपर हाउस सेकंड चैम्बर लो हाउस ऑफ एल्डर और काउंसिल ऑफ स्टेट यहां पे क्या कहेंगे इसको सर पहला बोलेंगे लोअर हाउस दूसरा बोलेंगे देखो वो अपर था तो ये लोअर हो गया वो सेकंड चैम्बर था ये फर्स्ट अब देखो यहां कंफ्यूजन होगा अगर ये लोअर हाउस है तो सेकंड चैम्बर होना चाहिए बट ध्यान रखना ये कंफ्यूजन होता है यहां पे ये लोअर हाउस भी है ये फर्स्ट चैंबर भी है इसको हम पॉपुलर हाउस कहते हैं पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं बताओ ठीक है इसको हमने बोला हाउस ऑफ एल्डर दिस इज नोन एज पॉपुलर हाउस वाई इट इज नोन एज पॉपुलर हाउस बिकॉज यहां पर जो लोग आ रखे हैं ना दे आर पॉपुलर कैंडिडेट्स ठीक है वो अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर आपने उनको इलेक्ट किया है आपने चुनाव के अंदर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने चुनाव लड़े और किसकी जितनी पॉपुलैरिटी थी उसके हिसाब से आपने उनको वोट दिया एंड दैट्स वाई वी नेम द पॉपुलर हाउस इसको हमने पॉपुलर हाउस बोला इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज द हाउस ऑफ पीपल इसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोगों का हाउस क्योंकि तो यहां पर लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को इसमें चुनाव कैसा होता है दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है ठीक है प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसके अंदर में मतलब आप लोग खुद जाकर अपनी वोट डालते हो बट इन दिस केस यहां पर कैसा होता है दोस्तों यहां पर वी हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव आपका होता है क्लियर कट क्लियर है बात ठीक है तो ये हो गए दोनों सदन के बारे में आगे बढ़ रहा हूं मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है ये जो अभी बार बार पूछना होता है बाद वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम कर देता है वो लोग कहते हैं कि यार सर आप बीच में बोलते बहुत हो बकवास ज्यादा करते हो कई बार ये कमेंट है पढ़ाते कम हो बकवास ज़्यादा करते हो बट पूछना पड़ता है ना यार लाइव में जो बच्चे हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी ठीक है नेहा क्लास नौ बजे से चल रही है ठीक है नाइन पी -म. अच्छा मुझे क्या लग रहा है टाइम टेबल का एक बनाना पड़ेगा एक वीडियो यार टाइम कल एक काम करना जो हमारा चैनल का बैनर है ना उस पर मैं टाइम टेबल लगा दूंगा, ठीक है ये जो लोग आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते नेहा ठीक है नेहा आप टेलीग्राम ज्वाइन जौ, कर लो टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम लिंक डालते हैं सारी चीज़ों के और एक बात बता देता हूं मैं ठीक है मेरे नाम से दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल बने हुए उल्ट ठीक है ट्रेडिंग व्रेडिंग के मेरा एकमात्र टेलीग्राम चैनल यह है मैं अभी फिर से बता रहा हूं यह ये. ये मेरा एकमात्र टेलीग्राम चैनल है सुमित राठी ऑफिशियल इसके अलावा जितने भी टेलीग्राम चैनल है वो मेरे नहीं है अगर आपको जुड़ना है एट द रेट सुमित राठी ऑफिशियल कोई भी बीच में स्पेस नहीं है कोई गैप नहीं है अब कोई लोग क्या करते हैं ऐट द रेट किया सुमित डॉट कुछ करके ऐसे बना दिया तो आप इन चीज़ों से सावधान रहना मेरे नाम पे कई ट्रेडिंग चैनल सेम आईडी वाईडी सब फोटो वोटो लगा के सेम बनाया हुआ है तो वो मेरे हैं नहीं मैं आपको बता देता हूँ कल को कोई बच्चा खाम खा वहाँ पे कुछ पैसे वैसे फंसा के खड़ा हो जाए तो कभी मेरे को कहेगी सर हमने तो आपके नाम पर कर दिया मेरे कोई चैनल नहीं है भाई वो किसी ने ऐसे ही बना रखे हैं फ्रॉड कर रखा है कि किसी ने अब देखो यहाँ पर समझिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात हम कर रहे थे तो यहां पर हमारी बात हुई थी भाई राज्यसभा और लोकसभा अब देखो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं दोस्तों टोटल टू फिफ्टी मेंबर आर्टिकल 80 के अनुसार आर्टिकल 80 क्या कहता है आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा जो है ना इसके अंदर में ढाई सौ होने चाहिए टू फिफ्टी होने चाहिए, चाहिए राज्यसभा में इनमें से दो मेंबर जो होंगे दे विल बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूटी वो केंद्र और किसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश को और राज्य को ये दो सौ कहां से होंगे ऑब्वियसली बात है ये स्टेट एंड यूटी से होंगे ठीक है इनका चुनाव होगा ये इलेक्शन होते हैं इनका ये चुनाव निर्वाचित होते हैं लेकिन बारह लोग जो होते हैं इनको कौन होते हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति भी तो नॉमिनेट करता है हमारा तो वो जो बारह लोग होते हैं तो कुल मिला के दो सौ अड़तीस प्लस बारह टोटल कितने होंगे ढाई सौ तो राज्यसभा के अंदर कुल मेंबर कितने होंगे ढाई सौ तो आर्टिकल 80 क्या कहता है दोस्तों कहता है कि राज्यसभा के अंदर में देर शुड बी टू फिफ्टी में टू थर्टी एट

ठीक है लोकसभा में टोटल सदस्य होते थे पांच सौ बावन इसीलिए था अब कई लोग कहेंगे सर एंग्लो इंडियन क्या है मैं कह रहा हूँ अभी इनको भूल जाओ एंग्लो इंडियन को ये इतिहास हो चुके हैं तो अब हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं तो आर्टिकल इक्या, इक्यासी और इसके अनुसार आज अगर हम बात करें क्योंकि आर्टिकल तीन सौ इकतीस के तहत में एंग्लो इंडियन का प्रोविजन आज हमारे यहां से खत्म हो गया इसीलिए भारत लोकसभा के अंदर में टोटल 550 मेंबर होते हैं 530 इलेक्टेड होते हैं एंड 20 जो हैं दे विल बी फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करेंगे पांच स्टेट से होंगे और बीस कहां से होंगे यूटी से तो कुल मिला कितने होंगे पांच प्लस बीस कितने होंगे यहां पर अगर हम बात करें टोटल हो गए पांच वर्तमान में लेकिन कितने हैं एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पांच ही हैं अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है अरे वो जो अक्साई का और वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उनमें पाँच सीट वैकेंट है ना तो उसकी वजह से है ना तो ये आप ध्यान रखोगे इतना क्लियर है अनुच्छेद दोनों याद रखोगे राज्यसभा में 250 इधर 550 है अभी पहले पाँच होते थे हमने जो एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न था वो हटा दिया तो अब आर्टिकल इक्यासी के अनुसार मैक्सिमम संख्या जो होगी पाँच जिसमें से पाँच स्टेट से बिलोंग करेंगे और बीस जो होंगे वो यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करेंगे ये जो प्रोविजन था ये हमने कब बदला ध्यान से समझना इधर 104 सौ चार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था इट रिमूव द रिजर्वेशन ऑफ टू सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में जो दो सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होती थी ना ये हमने हटा दी भाई ये हमने हटा दिया तो पहले होता था ठीक है कि दो सीट और तो पहले क्या था 550 प्लस दो टोटल कितने थे पांच सौ बावन बट राइट नाउ अगर आप बात करोगे तो ये पांच वाला जो प्रावधान है वो समाप्त हो गया है और अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों अभी की, तो में अगर हम बात करें, तो के अंदर में क्या है राज्यसभा में दो सौ स्टेट से होंगे और बारह किससे होंगे दोस्तों नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट अब यहां पर भी एक बात समझिए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल के अंदर में ये बात बताई गई है कि किस प्रकार से राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन होगा मतलब ये 238 सीट जो है ना इसमें से कैसे हम स्टेट को सीट देंगे और कैसे हम किसको सीट देंगे दोस्तों आपका आपकी यूनियन टेरिटरी को तो ये जो बंटवारा है ये किसके अनुसार होता है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल के अनुसार होता है तो दो चीज याद रखना है एक तो फोर्थ शेड्यूल एंड दूसरा हंड्रेड एंड फोर्ट फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताइए यहां तक समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर हम समझ आ रहा है तो फटाफट से ओके की रिपोर्ट करो जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में बताइए ओके की रिपोर्ट कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो डन आगे बात होती है अब फिर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं ठीक है तो आगे बढ़े हमने बताया था कि भाई कैसे राज्यसभा है लोकसभा है ठीक है अब इन दोनों के लिए एक, एक मॉनिटर भी हमने रख रखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो जो राज्यसभा है उसके लिए चेयरमैन होता है और जो लोकसभा है हमारी उसके लिए क्या होता है दोस्तों स्पीकर होता है ठीक है लेकिन इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारे संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 89 आर्टिकल 89 पार्ट वन क्या कहता है पता है आपको इसका मानना है कि भारत के अंदर में जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा आर्टिकल 81 क्या कहता है कि इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो आपका डी फैक्टो क्या होगा दोस्तों चेयरमैन ठीक है डी फैक्टो ही विल बी द चेयरमैन ये आर्टिकल 81 वन का पार्ट वन कहता है आर्टिकल 89 पार्ट टू क्या कहता है कि भैया सुनो जब मान लो चेयरमैन ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए ठीक है मान लो चेयरमैन यार टेम्परेरी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है ठीक है तो किससे आप सदन की अध्यक्षता कराओगे तो ऐसी अवस्था में हमारे पास क्या होता है कि डेप्यूटी चेयरमैन होता है जिसको हम बोलते हैं उपाध्यक्ष तो एक हो गया अध्यक्ष चेयरमैन दूसरा हो गया हमारे पास डेप्यूटी चेयरमैन दो हमारे पास ही होते हैं इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लोकसभा में तो लोकसभा में आर्टिकल नाइनटी थ्री के अंदर प्रोविजन है कि भारत के अंदर लोकसभा में दो चीजें होंगी एक तो स्पीकर दूसरा डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर अभी है ओम बिरला ठीक है स्पीकर कौन है ओम बिरला लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है दोस्तों वो 2019 से खाली है 19 या 20 से खाली है ये लास्ट हमारे डेप्यूटी स्पीकर थे इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है ठीक है क्या है बट uh, एक बार आप चेक कर लेना लेटेस्ट है जो नाम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए फोटो यही है ठीक है फोटो अभी ये पोस्ट वैकेंट है अभी uh, जो है डिप्यूटी स्पीकर यही है बट मेरे को इनका नाम याद नहीं है कि इनका नाम क्या है और प्रोविज़न याद रखना आर्टिकल नाइन एट्टी वन 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 और एट्टी नाइन टू और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर नाइन्टी थ्री इज दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू बताइए यहाँ तक क्लियर है क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं है तो आप बता दीजिए मुझे अरे यार नहीं हूँ महेश क्यों गुस्सा होऊंगा यार मैं आप लोगों से गुस्सा क्यों होऊंगा मैं क्यों आप इस प्रकार की बातें सोच रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो बढ़िया मज़े करो ठीक है समझ में आ रही बात चलिए इससे आगे बढ़ें अच्छा आप सुनो मान लो स्पीकर भी ना हो डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो, तो देखो जो हमारी लोकसभा है इसके लिए एक प्रावधान होता है जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ठीक है और इसके लिए प्रावधान होता है जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन पैनल ऑफ वाइस पर्सन ठीक है ये अपने हाउस में से ही चुनते हैं कुछ लोग होते हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे अभी मैंने इसके अंदर में नहीं रखा है तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ये क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर है कि कौन कौन मेंबर होंगे ठीक है ये भी हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है पहले क्योंकि मैं ये डिस्कस करूंगा इसके अंदर में कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का कॉन्सेप्ट है देन वी विल डिस्कस आगे बढ़ेंगे कि भाई मेंबर होंगे वो कितने टाइम के लिए होंगे ठीक है लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है तो यहाँ तक करते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास समझ आई अगर समझ आई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है ठीक है क्लास के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए यार ठीक है आप लोगों के ही योगदान से हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाएंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करके थोड़ा सा सीरियस लेके आप भी इसको एक अपना परिवार समझ के जैसे सना सईद ने किया है आप भी ऐसा कुछ जो है अपना समझ के इसको ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे ठीक है फॉरवर्ड तो करिए ही लोगों को बताइए जो आपके साथ है आप क्योंकि बहुत लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं ये मेरा एकमात्र ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसके अलावा मेरा कोई और टेलीग्राम चैनल नहीं है ये मेरा इंस्टाग्राम है सुमित डॉट राठी ज़ीरो थ्री तो दोनों जगह आप मेरे साथ फॉलो कीजिए जुड़ जाइए साथ साथ वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपसे रिक्वेस्ट है और साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ उम्मीद करता हूँ अधिकांश बच्चों ने लाइक कर दिया है जिन्होंने नहीं किया एक बार उंगली को कष्ट दें और कमेंट जरूर करें मैं मान रहा हूँ देखो दो स्टूडेंट्स क्लास देख रहे थे ठीक है आधे तो निकल लेंगे ठीक है उनको तो वही बात है काम हुआ खेत से बाहर बट आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छा सा जरूर करें अभी मैं खत्म कर रहा हूं लाइव चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मिलते हैं दोस्तों आपसे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए